ओके सो गुड आफ्टरनून एवरी वन सो हम लोगों ने लास्ट क्लास टाइप ऑफ रेशियोज किया था राइट सो टाइप ऑफ रेशियोज में कैन यू जस्ट क्विकली ब्रीफ मी मैंने रेशियोज के बारे में बताया था आपको काफी सारा एनालिसिस भी दिखाया था राइट आई हैव शोन यू रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन इन टू द नेट प्रॉफिट मार्जिन राइट सो so, उसका मल्टीप्लीकेशन आप देखेंगे किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है बट एसेट यूटिलाइजेशन वीक है मीन टर्न अराउंड आप पैसे को जितना बार आप घुमाओगे उतना ज्यादा आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉफिट आएगा मैंने सौ रुपए इन्वेस्ट किया उसमें मैंने वन ट्वेंटी कमाया अगेन इफ आई री इन्वेस्ट दैट वन ट्वेंटी सो अगेन आई एम गोइंग टू अर्न मोर मनी ऑन दैट राइट सो दिज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ increasing the size of the business scale of operations right so uh, if we talk about type of ratios टाइप ऑफ में एक था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज राइट ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मैंने आपको बताया था दो बेस होता है एक होता है सेल्स और एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट राइट सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स और दूसरा होता है राइट सो कैन यू टेल मी मैंने आपको क्या क्या रेशियोज बताए थे Anyone? नहीं नहीं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या क्या बताया था एक मेरे को याद है मैंने जीपी रेशियो बताया था आपको एक था नेट प्रॉफिट रेशियो एक प्रेटी था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और mm -hmm. और विध रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉड होता है टोटल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और एक था हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी राइट तो ये सब मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बताया था नेक्स्ट वॉट वी हैव डन लिक्विडिटी रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज में मैंने आपको क्या बताया था योर करंट लाइविटी शुड बी बैक्ड बाय सफिशिएंट करंट एसेट्स सफिशिएंट नॉट टू मच नॉट टू लो अगर बहुत ज्यादा आप करंट एसेट अपने पास रखते हो ना सपोज करो मैंने पूरे साल का प्रोडक्शन एक दिन में कर लिया तो अगर मैं पूरे साल का प्रोडक्शन एक दिन में करूंगा मतलब दिस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टेल मी अगर मैं पूरे साल का प्रोडक्शन सपोज मेरा डिमांड है वन लाख यूनिट्स तो मैं आज ही एक लाख यूनिट प्रोडक्शन कर लू तो एक लाख प्रोडक्शन करने के मेरे को ज्यादा रॉ मेटेरियल चाहिएगा ज्यादा कैपिटल चाहिए तो बेटर क्या है सर आप दस बनाइए उसको बेच के पैसा वसूलिए फिर आप वापस पैस, जब पैसा आपका वापस आ जाएगा वापस से दस हजार बनाइए ऐसे करते करते में करिए। तो on an average आप at a time कितना कर रहे हैं नॉट मोर टेन रेशियो बोलता है कि करेंट लाइबिटी को पेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशियंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए मीन सफिशियंट करेंट एसेट्स होना चाहिए सफिशियंट लिक्विडिटी होनी चाहिए सपोज करो मेरे को इस महीने का रेंट देना है तो मैं क्या अपना फिक्स एसेट बेच के दूंगा कि मैं अपना कंप्यूटर बेच के दूंगा अगर आज मैंने ये कैमरा बेच दिया ए एसी बेच दिया क्या होगा अब दोस्त विल हैपन बोलिए अगला दिन पढ़ाऊंगा कैसे धंधा कैसे करूंगा सो करेंट लाइब्रिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशियंट करेंट एसेट्स होना चाहिए

कस्टमर आई माइट है कस्टमर जिसको मैं ऑर्डर ही सप्लाई नहीं कर पाऊ क्योंकि मेरे पास माल ही बना हुआ नहीं है सपोज करो मैं हजार हजार करके प्रोडक्शन करता हूं सडनली आईव कस्टमर ऑफ टू थाउजेंड यूनिट विल आई बी एबल टू सप्लाई हिम सो बहुत ज्यादा कम रखने से भी नहीं चलता है बहुत ज्यादा रखने से भी नहीं चलता तो यह भी एक स्टडी है दे शुड भी ऑप्टिम इन्वेस्टमेंट इन योर वर्किंग कैपिटल राइट सो वन वाज करेंट रेशियो अनदर वाज क्विक रेशियो राइट इसके बारे में हमने चर्चा की नेक्स्ट देन वी स्पोक अबाउट एक्टिविटी रेशियोस राइट बेसिकली हमने तीन एक्टिविटी रेशियोज के बारे में आपको बताया इन्वेंट्री टर्न इन डेज निकालना है तो क्या होगा स्टॉक बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ तो दिस विल बी एवरेज स्टॉक मतलब आपने जो माल खरीदा कितना दिन लगता है उसको बिकने में यस और नो देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर इन डेज यहां पे ट्रेड रिसीवेबल भाई क्रेडिट सेल्स पर डे ट्रेड पेबल टर्न ओवर इन डेज ट्रेड पेबल बाई क्रेडिट परचेज पर डे इन टाइम्स भी आता डेज भी आता पन डेज वाला करेंगे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर पीरियड कम होना चाहिए इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड कम है मतलब इट्स अ फास्ट मूविंग आइटम चार्ट वेंडर्स चार्ट सेलर्स डेली उनका टर्न अराउंड है सुबह जो माल बनाया शाम को साफ इसका मतलब वो लोग अपना पैसा को 365 दिन रोटेट कर रहा है सोचो दे आर रोटेटिंग देयर मनी 365 डेज इन अ तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जितना कम हो, उतना अच्छा है ट्रेड पेबल जितना ज्यादा हो उतना बेटर है राइट right? तो इससे मिलता जुलता मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कॉल करो बोलो सर क्लास में बोलो यश भैया से बात करेंगे यश भैया से बात करने मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन बताया था ना वॉट इज इज ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन इट्स द गैप बिटवीन कैश इन्वेस्टेड एंड कैश रियलाइज कितना दिन लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में So it will start from the day you purchase raw material and it will end when? When you collect your debtors. So can I say operating cycle duration is inventory turnover period plus data turnover period? But sir, there is a catch. The day you purchase, the same day you won't pay the money to creditors. जो आप क्रेडिटर पीरियड है वो आप माइनस करो तब जाके आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन आएगा आई जस्ट शो यू दिस इज डे जीरो इस दिन आपने स्टॉक खरीदा है पैसे नहीं दिए आपने डे थर्टी स्टॉक सोल्ड and day 75 फाइव realized hai na ना तो इस वाले को क्या बोलेंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर पीरियड विच इज थर्टी डेज और इस वाले को क्या बोलूंगा ट्रेड डिसीवेबल टर्न ओवर पीरियड विच इज फोर्टी फाइव तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है दोस्त टेक्निकली एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है सेवेंटी डेज नो सर जिस दिन आपने पैसा स्टॉक खरीदा उस दिन आपने पेमेंट नहीं किया आपने पेमेंट किया है डेट ट्वेंटी फाइव में ये क्या आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर पेड ट्वेंटी फाइव वॉट इज ये कोई ऊपर ऊपर देखे ऊपर ऊपर उतना इनडेप्ट अगर नहीं जाए थर्टी प्लस फोर्टी फाइव इफ समीप डाइव सो दिस इज द डे यूर इन्वेस्टिंग कैश एंड दिस इज द डे योर रियलाइजिंग कैश सो ट्रेड पेपल टर्न ओवर पीरियड को माइनस कर दो So you get fifty days. That is day twenty-five say day seventy-five. Right. Now if साइकिल कंप्लीट करने में 50 दिन लग रहा है और साल में मान लो 350 दिन होते हैं होते है, 365 है बट लेट अस अज्यूम 350 डेज होते हैं तो साल में आप कितना रोटेशन करेंगे सात बार सर मेरे को ना 12 बार रोटेशन करने का मन कर रहा है 12 टाइम्स तो 350 360 दिन में अगर 12 बार रोटेशन करना मतलब एक रोटेशन में डेज लगना चाहिए इसका मतलब मेरे को इस पचास को तीस में लाना है तो किसको किसको कम करना है इसको कम करना पड़ेगा इसको कम करना पड़ेगा और इससे क्रेडिट पेट बढ़वाऊंगा है ना सर एक काम करते हैं ना सस्ता रॉ मेटेरियल यूज करते हैं उसको प्रोडक्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा या कुछ फॉल्स प्रॉमिस करके माल बेच देते हैं ये सब चीटिंग है एथिकली आप इसको कम कर सकते हो थर्टी को आप ला सकते हो पंद्रह दिन में बारह दिन में जहां आपने टेक्नोलॉजी लाई एक्चुअली थर्टी डेज में खाली आप देख रहे बन रहा है खरीद रहे हैं और बेचने में तीस दिन लग रहा है बीच में प्रोडक्शन का पीरियड भी है मैंने आपको बताया भी था चक्की काटा रिमेंबर बीच में आपको प्रोडक्शन का टाइम पीरियड लगेगा इससे तीस दिन लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी लेके आइए प्रोडक्शन में जहां आप टेक्नोलॉजी लाएंगे आपका काम जल्दी होगा टेक्नोलॉजी लाने से अगर आपका काम जल्दी होगा इसका मतलब आपका प्रोडक्शन पीरियड कम होगा तो इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड भी कम होगा बहुत लोग क्या करते हैं कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं उसके बाद सामने वाले को वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर प्लेस किया है तो इन्वेंट्री आने में भी टाइम लगेगा तो लोग क्या करते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो करते हैं इमिडियटली वेन यू रिक्वायर परचेज इट फ्रॉम द लोल मार्केट थोड़ा सा रेट ज्यादा लगेगा बट ठीक है तो आप चाहें तो आप इसको कम, कम कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है ट्रेड रिसीवेबल पीरियड को भी आप कम कर सकते हैं कैसे कम करेंगे आप सर डेटर को कंटिन्यूसली चेस करो पैसा दो पैसा दो पैसा दो चिढ़ जाएगा और एक बार वो चिढ़ गया ना दोबारा तुमसे माल खरीदने नहीं आएगा वो नहीं आएगा वो कम तो सर हम लोग को क्या करना चाहिए मैं उसको डिस्काउंट पॉलिसी दूंगा मैंने आपको बताया था टू बाई टेन नेट थर्टी रिमेंबर टू बाई टेन नेट थर्टी का मतलब क्या या टू बाई टेन नेट फोर्टी फाइव उसको बोलूंगा भैया देखो तुम्हारा उधारी पैंतालीस दिन का है तुम दस दिन के अंदर पैसा दो मैं तुमको दो परसेंट का डिस्काउंट दूंगा दिस इज द कैश डिस्काउंट पॉलिसी राइट क्रेडिटर पीरियड बढ़ा सकते हो अगर आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हो उसे बल्क में माल खरीद रहे हो अच्छा रिलेशन रखे हो आराम से बढ़ जाएगा इसको कम करने से मेरा साइकिल ज्यादा होगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी यहां पे मेरा पचास दिन तक मेरा पैसा फंसा हुआ है और एक जगह मेरा तीस दिन तक ही पैसा फंसा हुआ तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसमेंट्टी वाले में फटाफट -फड़ माल बेचो छोले कुलचे वाला क्या पूरा हफ्ता का छोले थोड़ी बना लेगा एक साथ पहला बात तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो आज थोड़ा सा बनाएगा दो किलो का उसको बेचेगा पैसा आएगा फिर अगला दिन दो किलो बनाएगा

सेल्स लिमिटेड नहीं है कहने का मतलब यहां पे यह है आप बताओ आपका माल बिकेगा ठीक है ओके सो ये सब रेशियोज हमने बात कर ली थी अब हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे और एक क्या टाइप का रेशियो था सॉल्वेंसी रेशियो राइट इसके बारे में शायद हमने चर्चा नहीं की थी सॉल्वेंसी रेशियो बोलता है द रेशियो ऑफ योर लोन टू ओन वाला टॉपिक जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना फाइनेंस तब मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस वाला टॉपिक जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि डेप्ट यूज करने से बहुत फायदा होता है डेप्ट यूज करने से आप शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हो तो सर डेप्ट मैक्सिमम रखते हैं? कंपनी के लिए आपको मिनिमम इक्विटी तो रखना ही पड़ेगा लेकिन डेप्ट अगर आप मैक्सिमम रखोगे तो फिर हेराफेरी वाला केस हो जाएगा पैसा ही नहीं चुका पाएंगे आप लोगों का कोई आपको देगा भी नहीं तो एक डिसेंट इक्विटी होना चाहिए आपके पास तो यूके में है फोर्टी परसेंट ऑफ योर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इट डेप्टीन सिक्सटी परसेंट हैजू बी इक्विटी तो अगर मैं डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करूं इसके दो फॉर्मूला है एक है डेप बाई इक्विटी डेप बाई इक्विटी मीन्स लॉन्ग लोन बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिटर्निंग समझ गया ठीक है इसी का एक और फॉर्मूला है डेप बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज लॉन्ग टर्म लोन बाई लोन प्लस इक्विटी लोन प्लस इक्विटी करने से हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ठीक है। बेसिकली आपका एक सर्टेन रेशियो में आप बोरो कर सकते हैं पहले आपने कंपनी बनाई उसमें आपने अपना इक्विटी रखा अभी इक्विटी यूज करना चाहिए कि डेप्ट यूज करना चाहिए ये भी एक कला है जैसे डेप्ट में रीपेमेंट प्रेशर होता है चार साल पांच साल बाद आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे इक्विटी में कोई रीपेमेंट प्रेशर नहीं है पैसा कब चुकाने है? जब कंपनी बंद होगा जितना है उतना चुकाएंगे कम है तो कम ज्यादा है तो ज्यादा डेप में हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपको राइट right? तो ये सब आप लोग फाइनेंस वाला जब सब टॉपिक शुरू होगा तब तो वहां पे पढ़ेंगे आप लोग एक है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दट इज ईबीआईटी बाई मैम को फोन करो मैम वही है हाँ वो अंदर रखी है फ्लैट के बाहर कहाँ रखेंगे ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट प्रॉफिट का अमाउंट सफिशियंट है कि नहीं इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट का कितना गुना आपने कमाया है दिस विल गिव देम मोर प्रोटेक्शन दे विल फील हैप्पी जब बंदा लोन देता है ना सिक्योरिटी तो है ही बात सिक्योरिटी की नहीं यहां पे सपोज करो तुम मेरे पास आया बोला सर मेरे को एक करोड़ रुपए का लोन दे दो और मैं आपको मेरी डेढ़ करोड़ की संपत्ति दे देता हूं मी इज इट सफिशियंट ड्यू इंटेलिजेंस आज अपन घर लेते हैं घर लेते हैं ना बैंक से लेते हैं लोन हम और हमारे सपनों का घर सजा के बैंक की देता है बेटा आज हमने लोन लिया है घर खरीदने के लिए घर की कीमत डेढ़ करोड़ लोन अमाउंट वन करोड़ ज इट सफिशियंट टू डिसबर्स द लोन नो बैंक आपका इनकम देखेगा आपका पेइंग कैपेसिटी देखेगा बगल वाला बोल रहा है अरे दे 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 ये सब क्या चेक करता है कल को नहीं चुका पाया घर भेज देना क्या घर बेचना इतना आसान है बोलो ना घर बेचना आसान नहीं है दलाल को बोलना पड़ेगा पहला बात तो उसको घर से निकाल भी नहीं पाएंगे कोर्ट में केस करना पड़ेगा लीगल प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी कोर्ट जवाब देगा कि हाँ इसने ईएमआई नहीं चुकाया कोर्ट उसको वर्डिक देगा कि तुमको तीन महीना में घर खाली करना है उसके बाद जाके वो बेच पाएगा तो डिस्पाइट सिक्योरिटी दैट डी दैट विल गेट द लोन इनकम पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए बहुत सारे बैंक आपका मंथली इनकम का फोर्टी परसेंट शुड बी योर ई एम आई एनबीएफसी वगैरह से आप लोन लेंगे तो आपका इनकम का सेवेंटी परसेंट कैन बी ईएमआई आपका मंथली इनकम है लाख रुपया और आपका ई एम आई एक लाख बीस कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा बोलेगा को बारो वॉर एड करो इट इज नॉट ओनली प्रॉपर्टी सिक्योरिटी इट्स अबाउट ड्यू टेलीजेंस ऑफ इनकम इज आल्सो रिक्वायर्ड डेप पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं आपके पास तो जितने भी आप डेप देख रहे हो ना लॉन्ग टर्म देख लॉन्ग टर्म लोन देख रहे हो ये सब कोई ना कोई सिक्योरिटी लेके ही मैंने लोन दिया है बट सोलवेंसी रेशियो देखने से मेरा पेट नहीं भरेगा मेरे को इंटरेस्ट कवरेज रेश भी देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का कितना गुना आपने कमाया है सपोज करो ये अमरेला है ये भी अमरेला है ठीक है ये बंदा ये एक बंदा बहुत तेज बारिश हो रही है इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग हु इज मोर प्रोटेक्टेड पहला वाला थोड़ा सेफ फील कर रहा है पतला सा है छाता का घेरा बड़ा है सवालिच पैदा नहीं होता भेजने का इसका शरीर छाता के बाहर आ रहा है 110 परसेंट यह भेजेगा कहने का मतलब है अगर मैं ईबीआईटी बोलूं एक लाख ईबीआईटी है ठीक है छाता इज ईबीआईटी और दिस इज इंटरेस्ट यहां ट्वेंटी थाउजेंड यहां फिफ्टी थाउजेंड राइट सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ठीक है ईबीआईटी बी बाय इंटरेस्ट फाइव टाइम्स या टू टाइम्स हु इज मोर प्रोटेक्टेड पर्सन ए राइट हु इज मोर प्रोटेक्टेड पर्सन ए है ना ए ज्यादा प्रोटेक्टेड है ना एज कंपेयर टू बी सो ही विल फील सेफ इससे आप थोड़ा सा और रुपया भी मांगोगे तो ये दे देगा बट बी नहीं देगा ठीक है चलिए तो हम लोग अब रिवीजन नोटबुक का एक दो क्वेश्चंस क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड ओके आइए एक हमको देना बुक वो मैम जो बैठी है ना उनको बोलो दो तीन दो रिविजन बुक लेट देगी आई थिंक बुकलेट फोर है है ना बुकलेट फोर है ना बाबू हाँ बुकलेट फोर है और ले आऊं उधर भी नहीं है एक दो जन के पास चलिए एक दो एमसी करवाता हूं ठीक है जिससे थोड़ा आप लोग को फील आएगा उधर इसके पास नहीं है दे दो ना थोड़ा रिटर्न कर देना ठीक है मार्क मत करना चलो सो so, पहला सवाल हम करेंगे अप्रैल 2011 में एमसीक्यू आया था एमसीक्यू कर रहे दो चट्टो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज सेवन लैख पाउंड शेयर कैपिटल इज फोर लैख रिटर्निंग इज फोर सेवेंटी सो क्विकली जैसे ऐसे मैं पढ़ रहा हूं ना मैं खाली नोट डाउन कर रहा हूं ठीक है शेयर कैपिटल फोर लैख रिटर्निंग फोर सेवेंटी इसका मतलब दोनों का एड करूंगा तो इक्विटी आ जाएगा पहले मेरे का बताओ क्वेश्चन में मांगा क्या है बुकलेट नंबर फोर है पेदांची मांगा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट रेशियो एनालिसिस कर हैं ना अपन अच्छा इक्विटीज फोर लाख प्लस फोर सेवेंटी एट सेवेंटी आया हा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब डेप्ट सिक्स लाख, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा ठीक है तो डिनोमिनेटर आ गया तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया अब हमने को चाहिए ईबीआईटी सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल जीपी जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सब लेस करेंगे तो क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फाइनेंस इनकम ऐड करना है तो ईबीआईटी उससे इंटरेस्ट लेस किया तो ईबीटी। तो अपन को ईबीटी दिया हुआ है इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो तो ईबीआईटी आ जाएगा सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर मैं 48000 जोड़ दूं सेवन फोर्टी एट आ गया आर ओ सी कितना दोस्त बहुत सारा रेशियो परसेंटेज में आता है बहुत सारा डेज में आता है बहुत सारा इन टाइम्स आता है हम फिफ्टी वन परसेंट अप्रॉक्स ऑप्शन भी करेक्ट है

उसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स सो ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है तो अर्निंग सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स आता है सो अर्निंग बिफोर टैक्स अगर मैं वापस से इंटरेस्ट बैक कर दू, तो मेरा ईबीआईटी आ जाएगा सात लाख में इंटरेस्ट घटाया हुआ है तो इंटरेस्ट को वापस एड कर दो तो बिफोर इंटरेस्ट आ गया और कैपिटल इंप्रेड हमारा ऑलरेडी आया हुआ है अब इससे आसान नहीं हो सकता दोस्त मैं आगे बढ़ रहा हूं अक्टूबर 2012 ट्रेड रिसीवेबल का क्वेश्चन है मैं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग अपने आप करेंगे ठीक है प्लीज काइंडली डू सो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है ठीक है हाँ बोलो बेटा हम्म तो पहले अक्टूबर वाला करते हैं ठीक है कंपनी का कैश सेल्स है साठ मिलियन क्रेडिट सेल्स है वन फिफ्टी मिलियन ट्रेड रिसीवेबल्स खाली क्रेडिट सेल्स का होता है दोस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल है चालीस मिलियन का जिस एंड पांच मिलियन का ट्रेड रिसीवेबल है रेंटल इनकम का मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर पीरियड गुड्स का निकाल रहा हूँ गुड्स का ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन गुड्स बिजनेस का आ रहा है सर्विस वाले का नहीं आ रहा है रेंटल इनकम इनकम इज डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन पासिव इनकम एंड एक्टिव इनकम मेरा मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये मेरा एक्टिव इनकम है इसमें से मैंने जो बचाया सेव किया उसको मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया वहां से मेरे को डिविडेंड इनकम आ रहा है ये मेरे लिए पैसिव इनकम है एक टाइम ऐसा था जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था तो मैं क्लास ठीक से नहीं ले पाता था धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग स्किल्स में आ गया था तो मेरा पैसिव एक्टिव बन गया था फिर मैंने बंद किया अब हमारे पास जो भी शेयर्स हैं सब लॉन्ग टर्म है मैंने भाव देखा ही नहीं कुछ कुछ का तो मट्टी हो गए होंगे कुछ कुछ का पांच गुना हो गया होगा ओनली लॉन्ग टर्म साल दो साल में एक बार देखता हूं कोई कम बेसी लगता है तो उसको या तो घटा देता हूं या ऐड कर लेता हूं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स पर डे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल 40 मिलियन का है इंटू थ्री सिक्सटी फाइव यहां कर लो और डिवाइडेड बाय नीचे क्रेडिट सेल्स पूरा ले लो 150 मिलियन भैया जैसा न्यूमिनेटर वैसा डिनोमिनेटर जैसा डिनोमिनेटर वैसा डिनोमिनेटर ये क्रेडिट सेल्स में क्या रेंटल इनकम है क्या तो उसका डेटर काय को लेने का बोलो ना कितना नाइन्टी सेवन डेज अप्रोक्स सही है ना दोस्त आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू पिक्चर मोटा मोटी समझ में आ रहा है सबको बढ़े आगे चल आई मूव अहेड नाउ चलो एक मैंने आपको और दिया था सितंबर तेरह का well return capital employed ebit by capital employed in 200 check okay? ठीक है तो यहां पे आप देखना ईबीआईटी e रेडी है Profit before interest and tax. Forty million. नंबर मैम को देना मैम फोन नहीं आए ना मम्मी बोल के नंबर होगा उनको भेजो ठीक है ईबीआईटी फोर्टी मिलियन इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर 110 रिटर्निंग तीन सौ रिवैल्युएशन ट्वेंटी टू याद है ना बैलेंस शीट भूलना नहीं इक्विटी का तीन कंपोनेंट होता ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अदर रिजर्व्स में रिवैल्युएशन और रिटेन अर्निंग कितना आ रहा दोस्त अरे ये कितना आ रहा है भाई फाइव भाई पहले इक्विटी का बता ना चार बत्तीस डेप्ट कितना है भैया नब्बे सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा चार सौ बत्तीस प्लस नब्बे बोलो भैया सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है अभी देखता आपका स्किल्स आपका सोचने का तरीका कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है सितंबर चौदह में एक थ्योरी क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियली करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई जीपी परसेंटेज मतलब इसमें से कौन सा हाई जीपी परसेंटेज नहीं है मैंने ज्यादा सेलिंग प्राइस में माल बेचा है वाओ लवली सर जीपी होता है एसपी पी माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना ठीक है सपोज करो ये हमारा 100 है ये हमारा 80 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 सो व्हाट इज माय जीपी परसेंटेज जब भी थ्योरी में इस टाइप का आएगा ना न्यूमेरिकल से किया करो अच्छे लगेगी आपको 20 अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड 20 परसेंट अब मैं ऑप्शंस की बात करता हूं ऑप्शन ए मैंने ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचा राइट right? सपोज करो मैंने 120 में बेचा तो ये फोर्टी आएगा हाँ या ना कॉस्ट वही है चालीस बाई एक सौ बीस इंटू सौ जीपी बाई हंड्रेड गलत बात मत बोलना थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट पूछा इसमें से कौन सा हाई परसेंटेज का कारण नहीं है तो ये तो हाई परसेंटेज का कारण है तो ये करेक्ट हो नहीं सकता this cannot be correct let us talk about option b 100 minus 70 so 30 equals to 100 minus 70 30 by 100 into 100 this is also एंटिटीज ओवर चार्जिंग इज कस्टमर तो ऑप्शन ए एंड सी सेम सेम चार में से तीन आंसर नहीं है तो चौथा वाला तो आंसर होगा ही दोस्त एमसीक्यू का सबसे मूल मंत्र यही है और जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना अपन को सही है ना सबको सेप्टेंबर चौदह में एक और क्वेश्चन आया था जो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बोल रहा है सेप्टेंबर चौदह में एक और क्वेश्चन आया था जो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात कर रहा है इसका जवाब मैंने दिया है अगर नहीं दिया है तो मैं अभी यहां से उठ के चला जाऊंगा अगर ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है दोस्त इफ आई हैवेंट एक्सप्लेन यू दिस वन राइट अवे आई गो फ्रॉम हियर। मैंने आज अभी छुट्टी दे देनी है और अगर इसका जवाब मैंने दिया है तो आज हम लोग आठ बजे तक पढ़ाई करेंगे फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस वाई लिक्विडिटी रेशियो बेस्ड ऑन कपनीज पब्लिस्ड अकाउंट आर अनलाइकली टू बी यूजफुल फॉर क्रेडिट कंट्रोल परपज छह महीना पहले डेटा का क्या एनालिसिस करोगे फोर लाख रुपीज सुबह बैंक अकाउंट में चार लाख रुपया था साढ़े पांच बजे की फ्लाइट ली साढ़े सात बजे लैंड किया आठ बजे हूं नौ बजे रिलेटिव के घर और अभी बच कितने रहे करीबन साढ़े तीन आई हैव ओनली फाइव थाउजेंड इन माई पॉकेट सारा खर्चा हो गया एक बेड लिया एक एसी लिया गैस ग्रोसरी फ्रिज वॉशिंग मशीन सब लिया है पूरा घर बसा रहा हूं कल ओपनिंग भी है फाइनेंशियल पोजीशन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट लिक्विडिटी पोजीशन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट और विंग यूज का पब्लिश तुमको बोल रहा है कि सर ने बताया था ये बात बाय द टाइम इट इज मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर इट बिकम्स आउट ऑफ डेट ठीक है ना ऑप्शन डी करेक्ट है सेप्टेंबर 16 ट्रेड रिसीवेबल का एक थ्योरी क्वेश्चन है दोस्त कुछ कुछ चीज अगर नहीं भी मालूम है ना तो भी मैं कर लूंगा क्यों बोलो तो अभी अगर आपने कैलकटा वाला ऑनलाइन क्लास किया होगा कितनों ने किया था कोई भी नहीं किया आप कितने आज ही एडमिशन लिया आपकी तो पहली क्लास है मैंने ड्यूअल अच्छा वीडियो देखा आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का उसमें मैंने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताया है तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अगर आपका एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा कोई एसेट गिरेगा अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगा तो ऑप्शन में देखो ट्रेड रिसीवेबल और कैश है डेटर से जब कलेक्शन होता है तो ट्रेड रिसीवेबल गिरता है बढ़ता नहीं है पहला बात तो और कैश बढ़ेगा ना पैसा आ रहा है तभी ना कलेक्शन होगा मतलब एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा रिसीवेबल बैलेंस कम होगा कैश कलेक्शन बढ़ जाएगा ना तुमने मुझे पैसे दे दिए कैश आ गया ना सही है ना है ना ऑप्शन ए हो नहीं सकता दोनों डिक्रीज है ऑप्शन डी नहीं हो सकता दोनों इंक्रीज है होगा तो बी एंड सी में अब बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड हैज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। गिरा है कि बढ़ा है गिरता का जब कलेक्शन होता है बढ़ता है जब क्रेडिट पेड ज्यादा देते हो तो अगर रिड्यूस है इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल गिरा है कैश बढ़ा है ऑप्शन बी इज करेक्ट अप्रैल 2018 अगेन एक ट्रेड रिसीवेबल पे क्वेश्चन है और मैं आपको ये बोलूंगा करने के लिए अलग अलग टाइप का आदमी लोग होता है मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस क्वेश्चन में वन ऑफ द फर्म्स मेजर कस्टमर बाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन ट्रेड क्रेडिट कस्टमर लोग लार्ज क्वांटिटी में उधार में माल ले रहा है कस्टमर पेमेंट हैव स्टार्टेड टू बिकम इराटिक एंड आर ऑफेन स्लाइटली ओवर ड्यू पैसा ठीक से नहीं आ रहा दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू दिस बिहेवियर सब हो सकता है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट समझदारी किसमें है वो मायने कर रखती है ये सारा डिसीजन लोग चाहे तो लोग ले सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है नो वन कैन स्टॉप हमारे यहां पर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऐसा होता था पहले डिस्काउंट स्कीम क्रेडिट में क्लास मिलना छह छह महीना तक पेमेंट ही नहीं आ रहा है बदले में रिप्लाई यार आपने मांगा कब वी वर हैविंग अ डेटर ऑफ ट्वेंटी थर्टी लैक्स और उसको कलेक्शन करने में हालत खराब हो जाता था दस पंद्रह लाख रुपया बैड डेप्ट पहले सिस्टम क्या था क्लास चालू कर लो क्लास करते रहो आराम से पेमेंट कर देना उसका लोग गलत फायदा उठाने लगे हमने पूरा बंद कर दिया विद एफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर 2023 ट्वेंटी थ्री स्टॉप डूइंग क्रेडिट सेल्स हालांकि अब हमारा सिस्टम लेगा भी नहीं जब तक मैं उसमें पेमेंट का इनपुट नहीं डालूंगा हमारा सिस्टम क्लास प्रोसेस नहीं करेगा कुछ कुछ केसेस में जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हम लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं बहुत रेयर केसेस में वहां पर भी हमारा एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रहता है जैसे आपका भी आपने एक पेपर दिया यूट्यूक अनदर पेपर पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है बिफोर आई एफ ओ ए रेजल्ट यू हैव टू क्लियर द पेमेंट जैसे बच्चा का रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे आएगा वो वो उसका पेमेंट करेगा ही नहीं हमने तो पूरा एक्सेस दे दिया हमने मटेरियल दे दिया सब कुछ हो गया हमारा एवरीथिंग हैज अस्ट तो ये चारो सिचुएशन लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें से आज से फ्यूचर सेल्स बंद कोई उधारी में माल नहीं बेचूंगा मैं आज से कोर्ट का एक्शन लो जिसका भी पैसा नहीं आया है पॉसिबल है लिमिट फ्यूचर क्रेडिट सेल्स सीज ऑल अनपेड गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स प्रेमाइसेस सब झगड़ा वाला बात है एक होता है हायर परचेज स्कीम एक होता है इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्कीम और एक होता है हायर परचेज इसमें क्या होता मालूम है दोनों इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है बोथ आर इंस्टॉलमेंट स्कीम इसमें होता है जिस दिन आपने माल खरीदा आपको पोजेशन के साथ मैं ओनरशिप भी दे दूंगा अरे एसेट भी दे दिया और मालिकाना हक भी दे दिया और पैसे आप किस्तों में दे रहे हो ई एम आई कल को अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट फेल होता है तो मेरे पास आपको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मैंने ओनरशिप आपको डे वन ही दे दिया है हायर परचेस स्कीम में क्या होता है पोजेशन में आपको दे दूंगा मैं आपको किस्तों में पैसे देने बोलूंगा सारा किस्त पेमेंट हो जाएगा तब ओनरशिप मैंने यहां ट्रांसफर करनी है आपको कल को अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट फेल करते हैं तब यहां पे सीज़ का बात आएगा क्योंकि ओनरशिप मैंने उसको दी नहीं है मोबाइल फोन्स जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना वो इंस्टॉलमेंट स्कीम में बिकते हैं कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने जाइए लेकिन जो गाड़ी वगैरह है कार ट्रक ये सब हायर परचेज स्कीम में बिकता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तुमने छह महीना भी यूज कर लिया तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है दोस्त तो इस केस में मैं सीज़र करके करूंगा भी क्या गाड़ी ट्रक मैं सीज कर लिया थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग करा लिया पेंटिंग करा लिया वापस मैं इसको किसी और को बेच सकता हूं अच्छा वैल्यू मिल जाएगा मेरे को तो जहां गुड्स का एक रीसेल वैल्यू है रिपोर्टेस करने के बाद सीजर करने के बाद वहां हम लोग हायर परचेज स्कीम फॉलो करते हैं सो बी इज इंस्टॉलमेंट स्कीम डी इज हायर परचेज Got my पॉइंट तो ये आए आपका ऑप्शन बी ये है आपका ऑप्शन डी तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा है आपको तो जिसका भी ओवरटी होगा उसकी उधारी बंद लेकिन हमने क्या किया सबकी बंद कर दी ये मैंने अपना मैं अपना बिजनेस का बात बता रहा हूं अगर किसी का पेमेंट बाकी रह जाता है हम कोर्ट केस नहीं करते हैं उतना तो समय नहीं हमारे पास और सर्विस में मैं रिपोज़ेस क्या करूंगा मैंने तुमको पढ़ा दिया मैं तुम्हारा सर हिला हिला के बोलू सब निकाल माथे से संभव नहीं है इसने मैंने बंद कर दिया नो नीड टू हैव पास्ता पिज्जा इट्स बेटर टू हैव रोटी एंड कढ़ी इट कीप्स यू हेल्दी सिंपल फंडा है वॉल्यूम विल फॉल बट लॉन्ग टर्म सक्सेस विल बी देर हमने ए किया है बी मैंने आपको बता दिया डी मैंने आपको बता दिया लेकिन आंसर सी है मैक्सिमम लोग इसी से शुरुआत करते हैं तेरा ओवर है ना तेरे को मैं क्रेडिट सेल्स नहीं करूंगा आपसे तो अब कैश स्कीम में आ जा राइट इट इज हाउ वेल यू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द सप्लायर कस्टमर के तो मैं सप्लायर हूं ना तो मेरा पेमेंट तुम ठीक से दोगे तो मैं तुमको उधारी दूंगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट चलिए सो नाउ लेट अस डू वन लॉन्ग प्रॉब्लम और भी है एमसीक्यूज आप लोग अपना अपना करिएगा ठीक है ऑक्टोबर 2011 long type लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ठीक है तो आपको एक कंपनी का दो डिवीजन है एक नॉर्थ एक साउथ ठीक है दोनों का पीएल और दोनों का बैलेंस शीट दे दिया आपको बोला है सबका ईच कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के बारे में बताइए चौदह नंबर का क्वेश्चन है चौदह नंबर का क्वेश्चन है मतलब करीबन आपको छह से सात रेशियो हर एक कंपनी एक का निकाल के बताना पड़ेगा तो दो प्रॉफिटेबिलिटी निकालो लिक्विडिटी में करेंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों निकालो और ट्रेड रिसीवेबल टर्न पीरियड तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक दो सेल्स वाला निकाल लेना और एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला निकाल लेना फटाफट करो चौदह नंबर का क्वेश्चन है so you do one thing when we talk about profitability ratios north south आप gp रेश्यो निकालो आप np रेश्यो निकालो आप se utilization निकालो और रिटर्न ऑन कैपिटल ब्लड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके निकालना ठीक है इसके बाद आप लिक्विडिटी रेशियो में आप करेंट रेशियो निकालो क्विक रेशियो निकालो प्रॉफिटेबिलिटी का आ गया लिक्विडिटी का आ गया और एक्टिविटी में बोला मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल खाली निकालना है ऐसे टर्न ओवर बताया ना सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड पहला दिन ही तो दोस्त बताया ये चीज ठीक है चलो कोई बात नहीं दिस इज सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड फटाफट करो बगल वाला गाना मत सुनना ओ जाने जाना बजा रहा भी वो लोग सभी का आ गया क्या आंसर आई होप सभी का आ गया होगा तो ये सब निकालना है अपन निकालेंगे एक एक करके आइए सबसे पहले जीपी रेशियो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इन टू हंड्रेड हाया ना फटाफट बताइए नाइन सिक्सटी बाई सिक्सटीन हंड्रेड कितना सिक्सटी इसका वन एट एट फाइव बाई कितना सिक्सटी फाइव साउथ इज ऑसम विथ जीपी ठीक है नेक्स्ट एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स फाइव सिक्सटी एट बाई सिक्सटीन हंड्रेड हाँ मच एग्जैक्ट ओके ठीक है चलो कोई देखने वन टू थ्री सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन हंड्रेड कितना सिक्स टू ठीक है ना सही है एसेट यूटिलाइजेशन इज वॉट सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड तो इक्विटी बाय इक्विटी प्लस लोन ऐड कर लो एक बार इक्विटी प्लस लोन ऐड कर लो दोस्त तो पहला वाला में इक्विटी प्लस लोन ऐड किया तो अठारह सो पचास आ रहा है तो सोलह सो बाई अठारह सो पचास ये टाइम्स में आएगा ये परसेंट में नहीं आता कितना जीरो पॉइंट एट सिक्स ठीक है टू डेसिमल प्लेस फाइन देन हियर इट इज पच्चीस सो पंद्रह प्लस दो सौ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड बाई टू सेवन वन फाइव वन पॉइंट जीरो सेवन ठीक है दोस्तों सब बढ़िया है ना मजा आ रहा है ना वेरी गुड ठीक है अभी अपन को अगर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो नेट प्रॉफिट भाई इक्विटी कर लेंगे है ना और अगर अपन को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसका दो तरीका है एक तो ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरा तरीका है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा इनटू एसेट यूटिलाइजेशन भी आप कर सकते हैं हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला नेट प्रॉफिट इज आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन नॉट बी यूज फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ये रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए यूज हो सकता है आर ओई के लिए सर अपन को तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ईबीआईटी हो जाएगा क्योंकि फाइनेंस इनकम नहीं है सोलह सौ सो, कितना सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया मैं गलत, मैं 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 गलत ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने में आ गया मैं बार निकाल लेता हूं जब मैंने लिखा है तो प्लीज मेरे को निकालने दो दिस इज ओपीएम अब मैंने लिख दिया ना मैं काटू कैसे इसको ज ओपीएम कितना आ रहा है ओपीएम 592 नाइन्टी टू बाई सिक्सटीन बोलो दोस्त सर तो फास्ट फास्ट बोलेंगे तो बेटर होगा आपके लिए टू हंड्रेड होगा बेटा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हंड्रेड होता है थर्टी सेवन परसेंट ओके सो आप देखो मेरा आरओसी आ जाएगा कैसे आएगा Thirty seven into asset utilization. अरे पेन को क्या हो गया अचानक से not working pretty hot just hold on Sorry, we have to wait. कोई लैपटॉप लाया है क्या ओके सॉरी फॉर द टेक्निकल क्लिच इट हैज स्टार्टेड वर्किंग कैन यू सी द स्क्रीन कार्तिक गोयलो अभी दिख रहा है ठीक है चलिए सो ओपी so, मार्जिन हमारा 37 परसेंट आ चुका है अभी हम लोग को निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आई वॉज जस्ट सींग जीरो पॉइंट एट सिक्स कितना आ रहा है ये थर्टी टू परसेंट ना अगर आप देखेंगे मैं अगर डायरेक्टली भी निकालूं और ईबीआईटी कितना है फाइव टू बाई कैपिटल एम्प्लॉय एटीन फिफ्टी डायरेक्टली इंटू हंड्रेड कितना आ रहा है थर्टी टू परसेंटेज आ रहा है तो मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूं कि आप ओपी मार्जिन इंटू एसेट यूटिलाइजेशन करेंगे तो भी आपका आ जाएगा इससे आप एनालिसिस बेटर कर पाओगे आप बता पाओगे मार्जिन में प्रॉब्लम है कि एसेट यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम है गॉट माई पॉइंट तो जैसे इसका ओपीएम कितना आएगा बताना वन टू फोर सेवन बाई by... कितना आ रहा है बताओ वन टू फोर सेवन बाई ट्वेंटी नाइन हंड्रेड फोर्टी थ्री नहीं आएगा बेटा फोर्टी थ्री आ रहा है क्या ठीक है तो यहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा फोर्टी थ्री इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन कितना फोर्टी फोर्टी सिक्स परसेंट और अगर लगाएंगे हम और अगर लगाता हूं तो वन टू फोर सेवन बाई टू सेवन वन फाइव इन टू हंड्रेड कितना आ रहा है अगर मैं डायरेक्टली थर्टी टू और फोर्टी सिक्स निकालता तो मैं इनडेप्ट एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा मैं डायरेक्टली थर्टी टू एंड फोर्टी सिक्स निकालता हूं तो मैं इनडेप्ट एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा मेरे को इनडेप्ट एनालिसिस करने के लिए ओपी मार्जिन और एसेट यूटिलाइजेशन दोनों मांगता है मेरे को यह भी चाहिए और मेरे को यह भी चाहिए तो नॉर्थ के केस में आप देखिए इसका मार्जिन भी कम है एसेट यूटिलाइजेशन भी कम है अगर आप केयरफुली देखोगे इसका पहले से जीपी भी कम है इसका जीपी भी कम है तो जीपी कम है तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम आएगा तो ये यहां पे दोनों तरफ से पिट रहा है इसीलिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल लिमिटेड एज कंपेयर टू नॉर्थ कंपेर टू साउथ लो है मार्जिन में भी अच्छा नहीं है यह एसेट यूटिलाईजेशन में भी अच्छा नहीं है आप चाहें तो आप यह ये वाला, ये वाला कर सकते दिस इज देर इज नो प्रॉब्लम यू कैन ईजीली डू दिस बट आप एनालिसिस नहीं करके दिखा पाएंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने पांच रेशियो निकाल दिया यहां पर जीपीएनपी ओपी एसेट यूटिलाइजेशन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यस और नो करेंट रेशियो करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी अच्छा इसका करंट एसेट में खाली रिसीवेबल है इसका करंट एसेट में खाली रिसीव है इसका क्विक रेशियो और करंट रेशियो सेम है सो so यही क्विक रेशियो गया यही करंट रेशियो की इन्वेंट्री है ही नहीं ना कितना बताओ कितना और इसका कितना अब देखो इसका लिक्विडिटी प्रॉब्लम है इसमें टू हाई लिक्विडिटी है टू मच फंड इज ब्लॉक्ड ठीक है अब हम लोग करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स ठीक है बेसिकली अपन को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है ट्रेड रिसीवेबल 160 है इंटो 365 सिक्सटी फाइव बाई सिक्सटीन कितना आ रहा है 36.5 days डेज साउथ का कितना है इसमें डेटर कितना है 455 फिफ्टी फाइव इंटू बाई कितना आ रहा है 50 वेरी पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स इसलिए तो इसका इतना ज्यादा डेटर में ब्लॉक्ट है समझा इसीलिए तो इसका डेटर में ब्लॉक्ड है ना तो रिटर्न ऑन कैपिटल में दोनों कमा के दे रहा है ऐसा नहीं है कि कोई लॉस मेकिंग है एक थर्टी टू परसेंट दे रहा है फोर्टी सिक्स परसेंट दे रहा है दोनों में बेटर साउथ है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एज वेल एज एसेट यूटिलाइजेशन तभी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है वो अभी अगर तुम देखेगा नॉर्थ का सेल 1600 है साउथ का सेल 2900 है तो ऐसा भी हो सकता है कि साउथ इज इंजॉइंग लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है ना डीप डाइव करो तुम खाली नॉर्थ का बुराई कर रहा है साउथ का मार्केट बड़ा है लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है कि नहीं हो सकता साउथ का एडवर्टिजमेंट कॉस्ट डबल से भी ज्यादा है देखो नॉर्थ से दैट इज वाई इज एबल टू जनरेट मोर सेल्स अपन एनालिसिस करने बैठे ना चौदह नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा अपन को एक तो लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और एक हैवी एडवर्टीजमेंट भी है नॉट में सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम है कल को बैंक वाला लो बोल देना मेरा पैसा वापस करो लेने का देना पड़ जाएगा कहां से देंगे भैया साउथ में टू मच लिक्विडिटी है एक्सेस जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स नॉर्थ का अच्छा है एज कंपेयर टू साउथ हमारे यहां पे ना कहावत है लोग तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे डिपेंड यह करता है कि तुमको सुनना क्या है ये जो हमने यहां पे ऐसा बोल्ड स्टेप लेके हमने यहां पे जो ओपन किया है शादी में सात वचन होता है उसमें एक वचन ये भी होता है कि आप जब भी कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको आपके बेटर हाफ को स्पाउस को बताना पड़ता है उसकी रजामंदी लेनी पड़ती है हमने नहीं ली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है होने के बाद उनको मालूम चला एक तो मैं अच्छा किया एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और एक पर्टिकुलर ग्रुप में मैं बुरा भी बन गया मैं फैमिली स्टेलिंग तुमने घर भी ले लिया बताया भी नहीं सलाम मसौरा नहीं किया सटन डिसीजन जिसमें सलाम मशौरा करूंगा तो लेट हो जाऊंगा मैं एक तरफ तुम बोल रहे हो नॉर्थ अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है उसका पेबल पीरियड उसका रिसीवेबल पीरियड कम है एज कंपेयर टू साउथ अब तुम देखो पल भर में तुम नॉर्थ को कैसे भी के मार रहे हो तुम ये, कर, ये, कह, ये कह रहे हो कि हो सकता है ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ पैसा मांगने के पीछे पागल है पैसा दो पैसा दो पैसा दो जल्दी जल्दी पैसा मांग रहा है क्रेडिट पीरियड ज्यादा नहीं दे रहा है इसलिए उसका सेल्स कम है भैया ये तो सह बात है उधारी अगर दे दी बुक्स में प्रॉफिट दिखेगा बैंक में बैलेंस नहीं दिखेगा क्योंकि वो पैसा कभी आना ही नहीं कभी नहीं आना बैंक में वो पैसा सब चीज लिख देना आप लोगों को अभी इसमें छह नंबर का एक और पार्ट है बोलता आपका लिमिटेशंस बताइए आपने जो एनालिसिस किया इसमें लिमिटेशंस क्या है नहीं लिमिटेशंस। सबसे पहला दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है मैंने बोला ना अप्रूवल बेसिस भी होता है कैश बेसिस भी होता है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू माइट बी डिफरेंट फॉर देम जोग्राफिकल लोकेशन विंटर गारमेंट्स साउथ में ठंडी पड़ती ही नहीं है जैकेट बिकेगा क्या नॉर्थ फर्स्ट टाइम विल यहां लीटर तो वाला गीजर ले रहा था हमारे घर कैलकाटा में ती, तीन लीटर वाला इंस्टेंट गीजर है यहां के लोग बोल रहे पंद्रह लीटर में भी नहा नहीं पाओगे इतनी ठंड होती है अभी हमारे नलके में ठंडा पानी आ रहा है कहा मैं तीन हजार का गीजर ले रहा था वहीं पे मेरे को आठ हजार का गीजर लेना पड़ा पंद्रह लीटर वाला जोग्राफिकल बैरियर्स हंड्रेड परसेंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने बताया आपको ऑलरेडी राइट right? यही सब पॉइंट्स आपको बना के लिखने हैं और ये सब तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है देर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किया है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टाफ ठीक है so ये मार्क्स का कंप्लीट हुआ uh, हाँ बोलो बेटा लिमिटेशन में टाइम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है रेवेन्यू अलग 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 टाइम पे दिखा रहा हूँ ना कोई कैश बेसिस फॉलो कर रहा है कोई अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है okay hmm. timing of recording revenue can be different now is it fine yes sir अप्रैल 2015 छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा हाँ 5:15 5:20 फाइव ट्वेंटी तक विल we'll अप कल छुट्टी है छह तारीख को छह तारीख को हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे दे है देर आर लॉट ऑफ सेशंस राइट वी हैव वन स्टॉक मार्केट सेशन 10 टू 12 आई गेस देन वी हैव 12 टू 3 सी एम स्पेशल क्लास विल बी टेकन बाई वन स्पेशल फैकल्टी मस्ट डू क्लास एंड देन वी हैव सी बी वन फ्रॉम नहीं आप लोग के लिए तो फिजिकल है आएगा का आएगा? अभी आया नहीं है संडे बहुत इंपॉर्टेंट है संडे मतलब समझ लो करीबन छह घंटे सात घंटे ही बैठना है कल तो छुट्टी है बेटा कल तो मेरा गृह प्रवेश है कल तो मैं यहाँ पे अपना नया घर में जाऊंगा कल कल नहीं है क्लास चलो भैया देखो मैंने ऑफिस ले लिया घर ले लिया खर्चे आदर्श नगर में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो अच्छा अच्छा रिजल्ट करो तो क्या कुछ तरक्की होगा आपका भी और हमारा भी है। ठीक है ना अभी ब्रेक इवन हमको करना है विद इन वन ईयर ठीक है चलिए तो डायरेक्टर्स ऑफ वेपर अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है थोड़ा ब्रेक दे दू ठीक है पांच मिनट का ब्रेक ले लो अप्रैल पंद्रह बोल तो दिया मैंने अप्रैल दो हजार पंद्रह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा पांच मिनट के बाद शुरू करने बोल रहे हैं बच्चे हम तो पांच मिनट के बाद शुरू करेंगे आइए फटाफट करते हैं इसको फरवरी का रिपोर्ट बनाया गया है जनवरी को कंपैरेटिव में रख के ऐसा ही होता है इस साल का जब आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं ना तो पिछले साल का फाइनेंशियल्स आपको भी देना पड़ता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है बैलेंस शीट भी दिया हुआ है करंट मंथ का पिछले मंथ का ड्यूरिंग फरवरी कंपनी पेड 4 लाख फॉर एन इक्विपमेंट ओके the payment was funded using a bank कोडी as a temporary measure तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जनवरी से फरवरी बढ़ गया फिगर्स आर इन थाउजेंड तो चार लाख मतलब चार सौ से बढ़ गया तो पंद्रह सो में अगर चार सौ में अगर ऐड करूंगा तो 1900 हो गया लेकिन इसका बैलेंस है 1898 और तीन महीना बाद ये बैंक बॉडी को चुका के लंबा लोन ले इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस कई बार क्या होता है ना हमको बड़ा रुपया चाहिए रहता है तो टेम्पोरि बैंक मेरे को फंड कर देती है उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाता है वो लाइविलिटी कम नहीं हो रही है आज बैंक है कल लॉन्ग टर्म हो जाएगा किस्त बन जाएगी फरवरी का रेवेन्यू में दो लाख ऐसा है जो सेल किया है कोई चैरिटी को एट कॉस्ट प्राइस इससे मेरी पब्लिसिटी हुई है वेपर्स डायरेक्टर्स रिसीव टेबल ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज टू कंपनी देयर मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द प्रोडक्शन डायरेक्टर है इंक्लूड द फिगर फॉर सही बात है बोला इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो को ऐड करो फिर एक फाइनेंस डायरेक्टर बोलता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मंथली बेसिस पे नहीं होता वो इला बेसिस पे होता है बात गलत नहीं बोली उसने बोला अपन चार रेशो निकाल रहे हैं जीपी करंट रेशो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को भी इंक्लूड करो मंथली बेसिस पे फाइनेंस डायरेक्टर बोलता नहीं मंथली बेसिस पे इंक्लूड करना गलत है क्योंकि ये सब एनुअल बेसिस पे मॉनिटर होता है मंथ मंथ ऑन मंथ लिक्विडिटी अच्छा है बस ठीक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मंथ ऑन मंथ निकाल के आई डोंट फाइंड एनी सेंस क्योंकि उसमें कुछ-कुछ खर्चा ऐसा है जो एनुअली अपन चार्ज करते हैं जैसे डेप्रिसिएशन

और फाइनेंस डायरेक्टर का आर्गुमेंट बताओ कि वो क्यों बोल रहा है एनुअल बेसिस पे होगा मंथली क्यों नहीं होगा राइट right? एक बार आप लोग पीएल को स्टडी कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्या बोल हमारा जो फरवरी का जो बैलेंस शीट है ना और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें ये दो इफेक्ट लिया हुआ है जनवरी नॉर्मल मंथ फेब में, में मेरा दो एक्सेप्शनल इवेंट्स हुआ है एक हमने नया एसेट खरीद लिया नया एसेट जो फेब में खरीदा उससे फरवरी में रिटर्न नहीं आएगा भैया आज मैंने इन्वेस्ट किया है ना इस टर्म में मेरे को रिटर्न नहीं दिखाई देगा नेक्स्ट टर्म एबल टू सी द एक्चुअल इफेक्ट आज तो मैंने पैसे लगाए हैं पैसा मैं जिस दिन इन्वेस्ट करता हूं सेम डे मेरे को रिटर्न नहीं कमा के देता है इनफैक्ट अगर आप एफडी भी करोगे तो ब्याज कल से शुरू होगा आज नहीं शुरू होगा ब्याज भी बोलता है विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो तो हमको इसका इफेक्ट्स को नलीफाई करना है ठीक है चलिए सबसे पहला अपन को जीपी रेशियो निकालना है जनवरी में तो कोई पंगा नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स टू हंड्रेड तो जनवरी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 525 है ना सेल्स 700 कितना आ रहा है वेरी गुड स्वेप का जीपी कितना है जीपी पूछा मैंने जितना पूछ रहा उतना बताओ फैप का सेल्स नौ सौ अब ध्यान से सुनना बिंग उसका एक्सेप्शन का इफेक्ट हटाना पड़ेगा याद करो मैं तुमको बोल रहा था ना कंपेरेबिलिटी तो दो मंथ में कंपेरेबिलिटी तब आएगी जब दोनों को अलाइक कंडीशन में अपन टेस्ट करेंगे मान लो अगर ये सेल टू चैरिटी ना हुआ होता प्राइस पे भूल जाओ अगर ये सेल टू चैरिटी ना हुआ रहता तो सेल्स 200 से कम होता कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 200 से कम होता और अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ से दोनों 200 से कम होता मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं किया तुमने तो तुम तो बोल ही रहे हो ना तुमने कमाया ही नहीं इन स्माल को बेच के तुमने कमाया ही नहीं है सही है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट में कोई भी प्लस माइनस विल बी जीरो बट सेल्स विल रिड्यूस बाय टू हंड्रेड देखो क्या क्या है जीपी इज डिफरेंस ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इस क्वेश्चन में एक बार मेरे को बताना सेल्स कितना है इस क्वेश्चन में सेल्स कितना है नौ 368 थ्री सिक्सटी एट मैं जस्ट आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं नौ सो में से दो हटाया सात सौ बचा 368 से भी मैं 200 हटाया कितना बचा 168 तो अल्टीमेटली तो 532 ही आएगा बोलना भाई तो प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं बट सेल्स कम हो गया ना अब बता कितना हो रहा है 70 परसेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट सिमिलर है ठीक है करेंट रेशियो जनवरी का जनवरी का करेंट एसेट कितना है दोस्त बाई करेंट लाइबिलिटी 360, कितना आ रहा है हाँ? बहुत ज्यादा है करंट इसका इधर इधर करंट एसेट कितना है वन जीरो फोर टू और करंट लाइबिटी कितना है करंट लाइबिटी में कैश मतलब वो बैंक ऑडी हो गया फिफ्टी सिक्स अगर हमने इक्विपमेंट नहीं लिया होता तो आज के दिन जो कैश नेगेटिव 371 है वो पॉजिटिव 29 होता तो बैंक ओडी को कम करके कैश को बढ़ाओ चैरिटी वाला इफेक्ट खाली यहां पे आएगा ये चैरिटी वाला इफेक्ट आएगा ये थोड़ा सा अकाउंटिंग रिलेटेड हो गया डेप में अगर समझना चाहो तो बैंक को नहीं लिया कैश भरा अच्छा सर आपने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले वॉट डिड यू टेल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि सेल टू चैरिटी का इफेक्ट को हटाना है तो डेटर भी कम होगा अज्यूमिंग कि सेल टू चैरिटी क्रेडिट में हुआ था तो ये मेरा यहां से 200 सौ इफेक्ट कम होना चाहिए अच्छा अगर वो सेल टू चैरिटी का इफेक्ट को हटाना है इसका मतलब मेरे को स्टॉक दिखाना पड़ेगा उसको तो बात बराबर हो गया ना याद है ड्यूएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखना मेरा वीडियो स्टॉक जब बिकता है तो इन्वेंट्री कम होता है डेटर बढ़ जाता है यहां पे उल्टा हो रहा है रिवर्स कर रहे इफेक्ट को तो डेटर को कमाएंगे इन्वेंट्री बढ़ाएंगे तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट में भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी चेंज हो रहा है और सेल ऑफ चैरिटी को भी अगर रिवर्स करेंगे तो करंट एसेट वो तो हालांकि सेम अमाउंट है बोल के इफेक्ट जीरो है वन जीरो फोर टू प्लस ट्वेंटी नाइन कितना होता है भाई वन कितना आ रहा है टू मच हाई लिक्विडिटी सर इसमें हम ऐसे परचेज कर रहे हैं तो हम अज्यूम ये करें कि उन उसने लास्ट डेट पे परचेज करी है ऐसे तभी हम उस महीने उनका खर्चा नहीं जोड़ रहे हैं क्या बोल रहे हो आ, uh, हमने ऐसे जो परचेज करी है फोर लैक की इक्विपमेंट तो वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फेब्रवरी के लास्ट डेट पे ऑब्वियसली ऑब्वियसली 100% वही है हां ओके ओके ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर पीरियड डेटर है ना जनवरी का डेटर कितना जल्दी बताओ है जनवरी का डेटर कितना है सेवन ट्वेंटी बाई सेल्स कितना जनवरी का सात सौ और जनवरी में होते इकतीस यहां पर थ्री सिक्सटी फाइव मत करते ना मंथली कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो उस मंथ में जितना दिन है वो लेंगे ईयरली करते हैं तो ईयरली वाला लेते हैं जैसा डिनोमिनेटर वैसा डिनोमिनेटर मंथली है तो टाइम पीरियड भी मंथ होगा कितना रहा भाई हु? मतलब एक महीने से भी ज्यादा लग रहा है पैसा आने में यहां पे ट्रेड रिसीवेबल कितना है वन जीरो वन जीरो से पहले दो सौ हटाओ अभी तुमने माना ना कि डेटर नहीं है वो सेल्स कितना है तो सेल्स से भी हटेगा इंटू अट्ठाईस होगा यहाँ पे आठ सौ दस बाई सात सौ पीछे का बात छोड़ना पीछे से पढ़ना है तो मेरे हम छोड़ घर चल जा रहे हैं सारा जगह लॉजिक सही लगा है लास्ट में लॉजिक गलत लगा दिया मेरे लोग अकाउंट्स का वो नहीं आदमी ये लोग क्या किया दोनों से दो दो सौ हटाने से इफेक्ट से अच्छा हटाया ही नहीं इफेक्ट ऐसे थोड़ी होता है डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ता है प्लस माइनस में चलो नहीं क्या समझ में आता जैसे ये वाला चीज ये लोग नहीं दिखाया आई कैन अंडरस्टैंड दिस बट आई अंडरस्टैंड दे डन हियर क्योंकि सेल चैरिटी हमारा सेल ही नहीं है तो आप सेल से हटा रहे हो आपको डेटा से भी हटाना पड़ेगा तभी ना आप यहाँ पे जीरो की इफेक्ट को बोलो okay. ऑलमोस्ट 32 तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर में ज्यादा कोई झमेला नहीं है सर मतलब ट्रेड रिसीवर में हमने लाइक पहले माना है ना कि हमने क्रेडिट सेल करी है हाँ तभी तो डेटा से आया ना मैंने सर तो क्रेडिट सेल मतलब वो डेटर ही हुआ ना अपने बेटा इफेक्ट हटा के रेशो निकाल रहा हूँ ना मैं कि इफेक्ट को लेके रेशो निकाल रहा हूँ हटाते हटा के हटा तो, तो हटा रहा हूं ना वही तो किया मैंने इसमें आप इफेक्ट हटाओगे तो आपकी क्या 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 इफेक्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा फंडा समझ लो क्या क्या चीज चेंजेस आएगी मैं मैं आपको जस्ट खाली एक सेकंड रुको मैं ट्रेड पेबल करवा देता हूं ट्रेड पेबल टर्नओवर पीरियड ट्रेड पेबल कितना है हमारा जनवरी का थ्री सिक्सटी इंटू थर्टी वन बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे ना वन सेवेंटी फाइव बोल भैया बोलना भाई हम्म yeah. hmm? कितना आ रहा है हम्म hmm. इधर कितना है ट्रेड पेबल वन एटी फाइव इंटू ट्वेंटी एट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है थ्री सिक्सटी एट माइनस दो सौ बोलो तो थ्री सिक्सटी एट ही लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है जनवरी में हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही परचेज माना लेकिन फेब में परचेज तो अपन पर निकाल सकते हैं ना जो 368 है अगर मैं वो 200 को कॉस्टल सेल्स नहीं मानू तो वो क्या है स्टॉक इन्वेंट्री तो कुछ माल बिक गया कुछ माल बच गया कुछ माल बिक गया कुछ माल बच गया बट खरीदा तो दोनों ही है ना क्रेडिटर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होता है कि परचेस पे होता है परचेस पे नहीं है तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं पहले आप मैंने एज्यूम किया कि सब बिक गया है अब मैं एज्यूम कर रहा हूं ये नहीं बिका है बट परचेस तो किया ना तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कितना बोलो हुँ? जब आप लोग रिविजन नोटबुक देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ भी है कि आपका और कोई अपना प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड अगर कुछ है तो आप वो भी बता सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन इसका मैंने ठीक दे दिया स्टॉक इवेन आउट हो जाता है ओपनिंग क्लोजिंग उसको उससे माथा मत लगाओ अगर आप इन्वेंटरी देखोगे कितना है बताओ मेरे को जनवरी का इन्वेंटरी कितना है टू ट्वेंटी है का थर्टी टू एक्चुअल में परचेज और ज्यादा आना चाहिए परचेज और ज्यादा आना चाहिए ठीक है गॉट माई पॉइंट तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं जो आपको बता रहा था अल्टीमेटली इफेक्ट क्या क्या आया इफ इक्विपमेंट नॉट परचेस्ड अगर हमने इक्विपमेंट नहीं खरीदा तो क्या होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 400 से कम करना है दूसरा बैंक ओडी को 400 से ये सबसे अच्छा इफेक्ट है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इजी ठीक है, हा तो बैंक ओडी को कम कर देना है तो बैंक ओडी कम करने से क्या होगा कैश पॉजिटिव बन गया और पीपी -पी कम हो जाएगा इफ नो चैरिटी एक्चुअल में मैंने एंट्री क्या की है एक्चुअली वॉट आई हैव डन एक्चुअल मैंने इन्वेंट्री कम किया कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ाया क्योंकि आउटफ्लो ऑफ गुड्स है इन्वेंट्री कम करके मैंने क्या किया और सेल्स बढ़ा के ट्रेड रिसीवेबल को कम किया ज आई हैव डन अब क्या करना है इसका उल्टा करना है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करो इन्वेंट्री बढ़ाओ सेल्स को कम करो ट्रेड रिसीवेबल भी कम होगा तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ मालूम है कुछ कुछ चीज में इसका नेट इफेक्ट इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ दोनों का मोरा मतलब नो चेंज इन जीपी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है मतलब नो चेंज इन करेंट का सेट यस और नो अब देख लो नो चेंज इन करंट एसेट ये वाला यहां पे प्लस 200 माइनस 200 और एक चीज नो चेंज इन जीपी कैन यू सी सेल्स को मैंने कम कर दिया कम कर दिया ना भैया अच्छा तो फिर बुक में यहां पे क्यों नहीं किया गया जब वो सेल्स कम हो सकता तो ये भी कम होगा ट्रेड रिसीवेबल भी कम होगा बिकॉज नाउ इट हैज बिकम स्टॉक यहां चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि यहां तो अपन वैसे भी परचेज लेते हैं कॉस्ट ऑफ़ सेल्स लेते ही नहीं है तो तुम सीओजीएस को कम करके इन्वेंट्री दिखाओगे तो दोनों को मिलाओगे दोनों मिला के तो परचेज हुआ ना या तो बिका है या बचा है तो बिका है बचा है मिला के स्टॉक परचेज स्टॉक इफेक्ट को नहीं कंसिडर किया गया यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है लास्ट क्वेश्चन था आर को मंथली बेसिस पे क्यों नहीं देखेंगे पहला मंथ ऑन मंथ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है सीजनल प्रोडक्ट हो सकता है ना Me. Huh? कई बार मान लो पैसा लेट से आया उसको फिर वापस से थोड़ी बेचोगे आप तो मंथ ऑन मंथ पे सेल्स बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अभी हम लोग मंथ ऑन मंथ पे आरओसी नहीं निकाल सकते हैं। हमारा साल में दो ही बार एडमिशन होता है अप्रैल और सितंबर मार्च तो इतना बदतर जाता है देखने का मन नहीं करता है बारह महीना तो एडमिशन नहीं होता है खूब जोर अभी मारेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक बस और आईएफओए का रिजल्ट के बाद में छोटा छोटा पेपर का तो हम क्या मंथ ऑन मंथ आरओसी निकाले हैं निकाले मार्च का आरओसी निकाल के पूरा साल का प्रिडिक्शन कर लिया गड़बड़ हो जाएगा भैया जो चीज एनुअली मॉनिटर होता है एनुअली करेंगे हाँ तुमको मंथ ऑन मंथ देखना जीपी देखो एसेट यूटिलाइजेशन देखो ये सब मंथ ऑन मंथ देखो बट एज अ होल यू कैन नॉट सी ऑन मंथ ऑन मंथ टू बी सीन एनुअली Thank you so much for the day. It was a lovely, great day. Good hours of class. Then we'll see day after tomorrow. Please keep on checking the schedule. Thank you, everyone.